रीवा शहर में 71 अवैध कॉलोनी से नगर निगम 121 करोड़ रुपए वसूल करेगा, जिसके चलते निगम की माली हालत तो सुधरेगी ही, शहर भी व्यवस्थित दिखाई देगा। अवैध कॉलोनी बसाने वाले भू माफियाओं को वसूली का नोटिस जारी किया गया है, जिससे जमीन के कारोबार करने वालों के बीच हड़कंप का माहौल है। रीवा में इन दिनों नगर निगम अवैध कॉलोनाइजर को लेकर कड़ा रुख अपना रहा है। नगर निगम रीवा ने 31 दिसंबर 2016 तक अस्तित्व में आई सभी अवैध और अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया था। उसके बाद एक बार फिर से नई अवैध कॉलोनियां उगाई हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास अधिनियम 2021 के तहत नगर निगम ने वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। फिलहाल नगर निगम ने 71 अवैध कॉलोनी बसाने वाले भू स्वामियों को वसूली का नोटिस थमा दिया है। नोटिस मिलने के बाद अवैध कॉलोनाइजर में हड़कंप का माहौल है। जिस तरीके से नगर निगम ने कलेक्टेड रेट के आधार पर जुर्माना ठोका है, उसको लेकर शहर में चर्चा का बाजार गर्म है। माना जा रहा है इससे नगर निगम को भारी आय होगी। नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एच के त्रिपाठी का कहना है कि 71 अवैध कॉलोनी है और हमें 121 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। अवैध कॉलोनी बनाने वालों से हमें कॉलोनी की भूमि का 10% कलेक्टर गाइडलाइन पर बाजार मूल्य का 1.5 गुना राशि वसूलने जाने का प्रावधान है, जो कि मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास अधिनियम 2021 के अनुसार है, जिसके चलते हमने नोटिस जारी कर दी है। जल्द ही हम वसूली की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्र अंतर्गत अभी 31 दिसंबर 2016 तक जो कॉलोनियां अवैध कॉलोनियां अस्तित्व में आई हैं, उन्हें हम नियमित कर रहे हैं। उनका हम लेआउट प्लान तैयार कर चुके हैं, उनके नागरिक अधोसंरचना प्रदाय हुए थे, रोड नदी सड़क ये बना रहे हैं, और ऐसी कॉलोनियां जिनमें पार्क की जमीन नहीं छोड़ी गई है उन पे हमने जो है 10% कुल कॉलोनी की भूमि का रकबा निकालते हुए कलेक्टर गाइडलाइन पर उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर उसमें नियमानुसार जो पेनाल्टी दर्ज है उसके मुताबिक राज की वसूली संबंधित कॉलोनी अथवा भूमि स्वामी से करने की कार्यवाही हम नोटिस जारी कर रहे हैं। अभी हमने जो कॉलोनियां चिन्हित करी हैं उनमें 109 है जिन्हें रेगुलर कर दिया है, और उन कॉलोनियों में हमें जो अभी संभावित आय दिख रही है वो 121 करोड़ के आसपास है और ये बढ़ सकती है।